हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो, बिल्कुल डरना नहीं है, एक एक स्टेप हम आगे जाएंगे। इसको ही बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और बुक में जो आप कोई भी बुक यदि देखोगे तो इसका ही नाम चैन रूल करके दिया है, चैन रूल। ठीक है, अब ना इसको समझा कैसे जाएगा, इसको समझने के लिए हम पहले एग्जांपल लेंगे, ये दिखता कैसे है और बाद में उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ। साइन ऑफ 2x+3 करके मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x+3। अब हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x आता है, लेकिन यहाँ x की जगह 2x+3 है, यानी साइन एक फंक्शन है खुद, उसके अंदर और एक फंक्शन दिया है, इसीलिए इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x² + 1। अगेन सेम, हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, लेकिन यहाँ साइन ऑफ x² + 1 है, साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है। ठीक है, यानी अगेन फंक्शन के अंदर फंक्शन है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, आइडिया क्लियर होना चाहिए। साइन ऑफ e^x, इसका भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अब साइन एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन e^x। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन के अंदर और एक साइन फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ, एक फंक्शन बाहर वाला, एक फंक्शन अंदर वाला। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते, साइन ऑफ log x². अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, साइन एक फंक्शन, उसके अंदर लॉग फंक्शन, और हमारा यहाँ तो लॉग एक्स रहता था और यहाँ भी x², यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे हम, और y इज इक्वल टू साइन ऑफ e^x², अगेन साइन फंक्शन, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके अंदर x² नाम का फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं। अब मैंने सिर्फ साइन के क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें ना पहले कंसेप्ट समझना है अच्छे से, तो साइन का हम लेके बाकी सब समझ सकते हैं। एग्जांपल्स हम सारे सॉल्व करेंगे, साइन के बारे में पहले हम समझ लेंगे। इसको हम जनरल कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको यदि मुझे जनरल लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ f(x), यानी साइन के अंदर और एक फंक्शन है। ठीक है, यदि और एक फंक्शन होगा इसके अंदर तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ f(x), उसके अंदर g(x), अनदर फंक्शन, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, देखो फर्स्ट एंड वेरी बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यदि y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x+3 दिया है, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दो चार वीडियो हमने बनाए हैं तो प्रैक्टिस भी बहुत सारी हो गई है, तो ये तो मैं सेम रखूँगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आता है, तो यहाँ एक्स की जगह 2x+3 है, एज इट इज़ रखना है 2x+3, एंड ए 2x+3 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके इधर लिखना है। अब 2x+3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, 3 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2+0, यानी 2 लिख सकते हैं हम इसको सीधा, तो इसका आंसर आएगा 2 cos of 2x+3। तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ x² + 1 दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x² + 1, डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx इज इक्वल टू, अगेन साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस, एक्स की जगह जो कुछ भी है एज इट इज रखना है x² + 1, एंड
इस एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव इधर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस पावर फंक्शन आएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो ये आंसर आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ठीक है, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेम ही है, यहाँ प्रॉब्लम खत्म हुआ है, इसको ही मैं कैसे लिखता हूँ, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, इस साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है पहले जो कुछ भी है, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया अंदर जो कुछ भी है एज इट इज रखना है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला जो फंक्शन है वो, ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो बस कन्फ्यूजन नहीं करना है कुछ भी। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स, लॉजिक सेम, साइन का डेरिवेटिव हमारा कॉस एज इट इज, अंदर जो कुछ भी है एज इट इज, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस ई टू द पावर एक्स, क्या आता है ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो सेम ही रहता है, तो इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो आगे और एक एग्जाम्पल, ठीक है, साइन ऑफ साइन एक्स क्या करना है, अगेन ये इसको y लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर जो कुछ भी है एज इट इज रखना है, एंड डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, जो अंदर वाला फंक्शन है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बस अलग से लेना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अगेन कॉस एक्स आएगा, तो ये कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो इट इज़ वेरी सिंपल। आगे चलते और y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना इधर, देखो एक फंक्शन है उसके अंदर एक फंक्शन है उसके अंदर एक फंक्शन है, कंसेप्ट रिमेन सेम, कंसेप्ट क्या है, बाहर वाले का जो डेरिवेटिव है साइन का डेरिवेटिव cos, अंदर वाला में कुछ चेंज नहीं करना है, जो कुछ भी है एज इट इज, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव log ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे अगेन एक कंपोजिट फंक्शन है, अंदर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है अगेन, तो ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो बात क्लियर है, लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x², बट यहाँ एक्स की जगह दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, हाँ लॉग का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो लॉग ऑफ एक्स की जगह 1/x की जगह एक्स स्क्वायर दिया है, तो यह आएगा 1/x², ठीक है, तो जो डेरिवेटिव आता है एज इट इज लिखना है, यहाँ जो कुछ भी है एज इट इज रखना है, एंड एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 1/x² एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा जो फार्मूला है पावर फंक्शन का, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो सिंपल है, x टू द पावर n से कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 2 आएगी, एंड इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 2, तो यह आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स, तो यह आएगा ये 2x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा x, तो ये बस बचेगा cos ऑफ log x स्क्वायर, एंड ये 2 यहाँ लिखता हूँ, एक्स भी मैं आगे लिखता हूँ, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत सिंपल है यदि आपको समझ में आया है तो। और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अगेन एक फंक्शन साइन, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन एक्स स्क्वायर करके, कैसे करेंगे, डेरिवेटिव निकालो डी वाई बाई डी एक्स, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है, अंदर वाला पार्ट एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन जो कुछ भी है एज इट इज लिखा मैंने, तो यह आएगा कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है हमारा, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, एक्स की जगह बस एक्स स्क्वायर है, तो उसको एज इट इज रखना है, अब ये एक्स स्क्वायर जो है ना एडिशनल, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया हमारा
डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, अब हमने साइन के अलग अलग एग्जांपल लेके देखे। मैंने साइन क्यों लिया, क्योंकि एक फंक्शन के बारे में हमने यदि समझ लिया तो सेम कॉस के लिए, सेम टैन के लिए, सेम कॉट के लिए, सेम सेक के लिए, सेम सभी फंक्शंस के लिए होगा। ठीक है, तो ना यदि मुझे इस को एक फॉर्म में लिखना है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो, यदि मुझे डेरिवेटिव पूछा है साइन एक्स का, तो मैं सीधा, हमें पता है कॉस एक्स आता है, लेकिन अब एक्स की जगह कुछ फंक्शन दिया है, मैं फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा इनटू ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो कुछ भी आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये आएगा हमारा डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यदि फॉर्मूले के फॉर्म में मुझे समझना है। सिमिलरली मुझे यदि डेरिवेटिव लिखना है टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो ये कैसे दिखेगा, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एंड अगेन इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स से। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है, और प्रॉब्लम देखेंगे तो और आइडिया क्लियर होता जाएगा हम क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, आगे चलते अब मैंने ना एग्जांपल चेंज किया थोड़ा, वाई इज इक्वल टू, अब मैंने लॉग ऑफ साइन एक्स लिखा है, अब साइन ऑफ लॉग एक्स के हमने लॉग ऑफ साइन एक्स करके देखते हैं। अगेन लॉग फंक्शन है, हमें पता है लॉग एक्स के लिए हमारे पास डेरिवेटिव है, यहाँ log ऑफ साइन x दिया है, ये दिया है log ऑफ f ऑफ x के फॉर्म में, यहाँ f ऑफ x की वैल्यू है साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, log x का जो डेरिवेटिव है एज इट इज लिखना है, log x का डेरिवेटिव 1 by x की जगह बस साइन x है, तो वो साइन x लिखेंगे, एंड जो अंदर वाला फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है एक बार, तो ये साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x, तो दिस इज 1 upon sin x into cos x, अब cos x इंटू 1 by sin x क्या आएगा, ये आएगा cot x, दिस इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो log ऑफ हमारा sin x का आंसर आ गया cot x करके, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा और मुश्किल लेता हूँ, y इज इक्वल टू log ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर, यानी log एक खुद एक फंक्शन, उसके अंदर साइन फंक्शन, उसके अंदर एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन, सेम लॉजिक, डीवाई बाय डीएक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 by x, एक्स की जगह ए है तो उसको एज इट इज रखना है, और जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगेन साइन ऑफ ए, साइन ऑफ 1 upon sin x² एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, यानी x की जगह एक्स स्क्वायर है तो बस उसको एज इट इज रखना है, और ये अंदर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये आएगा 1 upon sin x² कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मैं इधर लिख देता हूँ अभी, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आता है 2x करके, तो ये आंसर हो जाएगा कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2x, आगे लिखा बस 2x को इधर, और कॉस अपॉन साइन इज कॉट, सो दिस इज कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया dy बाय dx करके। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल, और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, देखो गड़बड़ नहीं करनी, अभी कौन सा फंक्शन किसके अंदर है, देखो cos ऑफ एक्स स्क्वायर इसका है मतलब cos x की पावर 2 होता है, अब आपको ना पावर फंक्शन पता चाहिए, पावर फंक्शन यानी ये जो फंक्शन देखा है हमने x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, अब यहाँ पावर 2 दिए है, यानी यहाँ x की जगह एक फंक्शन दिया है अलग, तो ना इसको मैं बोलता हूँ ये f ऑफ x है, तो ना इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर यदि n दिया है तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू दिस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव,
इट इज़ वेरी सिंपल, जो हमने ऊपर किया है वही करना है, बस उल्टा नहीं करना इधर, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या लिया हमने, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू है 2, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू कॉस एक्स, पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये पावर 1 है, इंटू डेरिवेटिव, ये फंक्शन जो है अंदर वाला कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब जिसको पता है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री कहती है फार्मूला पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन ऑफ 2x, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, तो ये आएगा डेरिवेटिव इसका, सो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है, फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शन दिए, 10 फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कितने भी दिए हो हमें रूल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो डाउट है तो क्लियर होता चला जाएगा जितने एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, अगेन ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, तो ये dy वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन एक्स एज इट इज, x की जगह साइन एक्स, जो कुछ भी हो वैसे रखना है, इंटू ये जो एक्स्ट्रा वाला जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, तो ये e टू द पावर साइन एक्स एज इट इज, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, देखो अब इसको यदि जनरल फॉर्म में लिखना है मुझे, y इज इक्वल टू e टू द पावर f ऑफ x दिया है, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर f ऑफ x एज इट इज, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल काम है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डाउट रखेंगे नहीं कुछ इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, क्योंकि है ना बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मुश्किल लगता है, क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बुक में चेन रूल एक्सप्लेन किया लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, तो आपको कन्फ्यूजन बढ़ा देता है वो, तो हम जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर होता चला जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x, log फंक्शन हमारा ओरिजिनल, उसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x, कोई डाउट ही नहीं है, ये ना बस x की जगह है ना ये f ऑफ x दिया हमें, sec x प्लस tan x जो मर्जी दिया हो नो चेंज, dy बाय डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय x, x की जगह बस हमें sec x प्लस tan x दिया है, इंटू डेरिवेटिव लेना है जो अंदर वाला फंक्शन है, sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा हमें, तो आएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब एडिशन का फॉर्मूला, sec x का डेरिवेटिव लेना है प्लस tan x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव कितना आता है, sec x का डेरिवेटिव आता है sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये sec x आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, यहाँ से आ गया sec x बाहर, अंदर बचा यहाँ tan x बचेगा, यहाँ एक sec x एक्स्ट्रा वाला बच जाएगा, तो ये tan x प्लस sec x आएगा, ये डिनोमिनेटर और ये टर्म सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा sec x। अगेन बहुत सिंपल है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है बस, कन्फ्यूजन यदि रखा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, आपको समझेगा नहीं क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, कन्फ्यूजन है तो क्लियर करते चलेंगे हम अभी एक एक प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लेके। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x लिखा है मैंने, ठीक है। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ओरिजिनल, x की जगह x साइन x, ठीक है। अब x साइन x का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा एडिशन में, देखो dy by dx e to the power x का डेरिवेटिव कहा गया, हाँ e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, x की जगह जो कुछ भी है एज इट इज़ रखा मैंने, इंटू जो
एक्स की जगह बाकी वाला टर्म है ना उसका डेरिवेटिव लेना है हमें, एक्स की जगह एक्स साइन एक्स दिया है, फंक्शन दिया है दूसरा, तो उसका डेरिवेटिव लेना है बस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आएगा e टू द पावर x साइन x एज इट इज़। यदि आपको याद है ये प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है u इंटू v, u इंटू v डेरिवेटिव क्या होता है u इंटू v का, रिवाइज करते हैं हम। यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ वही रूल अप्लाई करेंगे हम, दूसरा फंक्शन साइन एक्स एज इट इज़ रखा, एक्स का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस एक्स को एज इट इज़ रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा e टू द पावर x साइन x, और ना x का डेरिवेटिव तो 1 आता है। अब ये चीज़ें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि x का डेरिवेटिव 1 आता है आपको पता है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, बार बार उसको कैलकुलेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव आता है 1, तो ये आएगा साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव हमारा आता है cos x, तो ये आएगा x cos x, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो dy by dx आ गया इसका e टू द पावर x साइन x इंटू साइन x प्लस x cos x। इसका मतलब यह फंक्शन का फंक्शन था प्लस फंक्शन में u इंटू v रूल भी था। कुछ भी दे, यदि आपको डेरिवेटिव के चार रूल पता है, आपको पता है डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x डेरिवेटिव निकालना है, क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन हमारा e टू द पावर x रहता है, उसका डेरिवेटिव e टू द पावर x आता है। अब x की जगह इतना दिया है e टू द पावर x, उसका डेरिवेटिव लेना है अगेन मल्टीप्लाई करके। हमें हमारा रूल नहीं छोड़ना है, dy बाय डी एक्स e टू द पावर x एज इट इज, x की जगह जो कुछ भी है एज इट इज रखेंगे ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स्ट्रा वाला फंक्शन e टू द पावर x, तो वो क्या बनेगा, वो e टू द पावर x एज इट इज, एक्स्ट्रा वाला फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहता है। सो दिस इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको, यदि आपको समझ में आया है तो, ठीक है। तो और एक एग्जांपल हम लेंगे, जितने मर्जी चाहे उतने एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं, सबकी स्टोरी सेम ही होगी, सबकी स्टोरी सेम ही होगी। देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है थोड़ा और मुश्किल प्रॉब्लम, ये फंक्शन u, ए फंक्शन v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, v के अंदर फंक्शन एक्स्ट्रा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, रूल छोड़ना नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो इसका डेरिवेटिव आता है सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव। यहाँ सेम पहले ही वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव प्लस प्लस ये पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स आएगा एज इट इज़, तो दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कन्फ्यूजन नहीं होने देना है हमें, अभी हमने ऊपर लर्न किया है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो x की जगह जो कुछ भी दिया है एज इट इज़ रखना है, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 का डेरिवेटिव एडिशन रूल है, 1 का डेरिवेटिव निकालो 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 0 प्लस 2x, तो ये आएगा 2x। तो इसको ही हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस टू एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सिंपल कैसे, देखो प्रॉब्लम वही है, आपको कंसेप्ट यदि समझ में आया है तो सिंपल है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया फिर मुश्किल ही मुश्किल है. ठीक है, बहुत सिंपल है. अब ना ये प्रॉब्लम तो हमने किया, अब ना हम एक्स्ट्रा वाला लेंगे, एक एक्स्ट्रा वाला यानी और थोड़ा एडवांस. अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाला करके देखा, अब ना डिवीजन एंड कंपोजिट वाला लेते हम. देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस, मैं लिखता हूँ यहाँ साइन x अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस 1. अब देखो u बाय v का रूल, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन. ठीक है, अब क्या करेंगे हमारा, आपको यदि याद है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिवीजन वाला रूल. यदि फंक्शन u बाय v के फॉर्म में दिया है, अभी न्यूमरेटर में यह है हमारा u, डिनोमिनेटर में जो है v, क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर में जो दिया है उसका डेरिवेटिव प्लस न्यूमरेटर वाला, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये बीच वाला साइन जो है वो है माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर. तो ये यू बाय वी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं बहुत सारे. छोटा नहीं रूल, y दिया है हमें e टू द पावर x प्लस साइन x अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस 1 अप्लाई करना है. ये हमारा u, ये हमारा v. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. dy वाई बाई डी एक्स, वी वाला फंक्शन एज इट इज. अभी v वाला फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 2x प्लस 1, डेरिवेटिव निकालना है आपको किसका, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, माइनस, साइन में कन्फ्यूजन नहीं करना है, माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव निकालना है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन, सबके लिए अपॉन है, साइन ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, सिंपल चीज है. अब ये तो साइन 2x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये डेरिवेटिव निकालना है. देखो यदि यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो डेरिवेटिव निकालना है दो फंक्शन की सम है, तो सम तो सिंपल चीज़ होती है, बस डेरिवेटिव निकालो अलग अलग और ऐड करो. ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये आएगा ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1. अभी मैंने ऊपर बताया था फंक्शन के अंदर फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस ऑफ 2x प्लस 1 एज इट इज, एंड इस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 एडिशन में. तो ये सिंपल चीज़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ये डेरिवेटिव जो कैलकुलेट किया हुआ आएगा e टू द पावर x प्लस कॉस x माइनस e टू द पावर x प्लस साइन x एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1. ये 2x प्लस 1 है, एंड डिनोमिनेटर वाला हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1. तो दिस इज अगेन वेरी 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 सिंपल. ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है कुछ भी. इसको रीअरेंज करना है टर्म तो रीअरेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स है उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने देना है. यदि आप कन्फ्यूजन करोगे प्रॉब्लम खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ ना कहाँ मिस्टेक आप कर ही दोगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपोजिट फंक्शन. हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑल प्रॉब्लम का जो मेथड है वो सेम है. देखो अब मैं ना एट द एंड कुछ थोड़ा चेंजेस करता हूँ फार्मूलेज में. फार्मूलेज हम एक कैसे बना सकते हैं, इसको देखो कांस्टेंट में तो कुछ बनाने का नहीं है, कांस्टेंट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा. ये एक्स टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव है ना, उसको मैं फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो ये आएगा एन
एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ मैंने लिखा है रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. साइन एक्स के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे ऊपर बताया ऑलरेडी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि पूछा है हमें तो ये आएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. अगेन डेरिवेटिव में थोड़ा चेंज हो जाएगा अगेन और बाकी फार्मूलेज में भी. ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अगेन आएगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, बस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है इंटू ये एक्स्ट्रा वाला एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव. सिमिलरली ये चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम. ए टू द पावर एक्स के लिए भी हम कर सकते हैं सिमिलरली, ई टू द पावर एक्स के लिए भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स के लिए भी कर सकते हैं. लॉग ऑफ एक्स का मैं बता के रखता हूँ चाहिए तो. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, बस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है एज इट इज़ रखना है, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी हमारी कंपोजिट फंक्शन की. कंपोजिट फंक्शन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड वेरी सिंपल फंक्शन, यदि कंसेप्ट समझ में आई है तो ईजी है, अदरवाइज इट इज़ वेरी मुश्किल. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.